Are you somebody who is planning to choose your optional for UPSC but still confused? Then this video is going to give you a lot of clarity as to what are the pertinent factors that you should take into consideration while choosing your optional for UPSC. Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UPSC, Commerce as well as Management. इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में बात करेंगे that what are the factors that you should be considering while choosing your UPSC optional. मुझे आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी का जो वेटेज है दैट इज 500 मार्क्स 250 मार्क्स ईच फॉर योर टू ऑप्शनल पेपर्स, इट कैन आइदर मेक यू और इट कैन आइदर ब्रेक यू इन द फाइनल रिजल्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रैटेजाइज करके बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने यूपीएससी ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ first what I'm going to discuss is what are the do's or what are the factors you should be taking into consideration, and the second part of the video is going to talk about that what are the don'ts or what are those factors you shouldn't be considering about. theek hai, so let's start with your do's first. sabse pehla aspect jo hai wo hai interest. now this particular factor is something which is most crucial for your decision with respect to UPSC optional. aur iska reason kya hai, iske do reasons hai. पहला रीजन तो ये है दैट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। फॉर एग्जांपल आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा, डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, मोटी मोटी बुक्स को रेफर करना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। नाउ थिंक अबाउट अ सब्जेक्ट जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गो डीपर इन टू इट? आप ऊपर ऊपर से तो उस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे बट आप उसमें डीपली नहीं जा पाओगे अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। कभी भी ट्राई करके देखना कि जब भी आप कोई ऐसी चीज पढ़ोगे, आपने बहुत सारी नॉवेल स्टार्ट करी होंगी, मैं भी बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ने की कोशिश करता हूं, बट अगर मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं आता तो मैं उन नॉवेल को परचेज तो कर लेता हूं, बट आफ्टर रीडिंग लेट्स से 20 पेजेस 25 पेजेस आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू इट बिकॉज मुझे मोटिवेशन ही नहीं आ रही होती अंदर से। सो देयरफॉर द फर्स्ट क्रूशियल फैक्टर यू शुड बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, और उसको एक्सप्लोर करने का क्या तरीका है कि आप 2-4 बेसिक बुक्स उठा लीजिए और उससे पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या फिर पार्टली पढ़ा हुआ है, बेसिक्स पढ़े हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि क्या आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने बहुत इनग्रॉस होकर पढ़ा होगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपने सिर्फ इसलिए पढ़े होंगे बिकॉज आपको अच्छा स्कोर करना था। सो दैट कैन बी वन ऑफ द एलिमेंट दैट यू कैन टेक इनटू कंसीडरेशन टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एरिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या मुझे ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो मेरे ग्रेजुएशन में था, या फिर मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए जो मेरे जीएस से रिलेटेड है या फिर मुझे जीएस की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको यहां पे थोड़ा सा थॉट देना चाहिए। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़े थे या अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अवेलेबल है यूपीएससी ऑप्शन में, लेट्स से आपने बीबीए किया था या लेट्स से आपने बीकॉम किया था और कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही सब्जेक्ट अवेलेबल है इन द यूपीएससी ऑप्शनल, आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आपको इंटरेस्ट भी है, ठीक है, आपने डिसेंट मार्क्स स्कोर किए थे अपने ग्रेजुएशन में और आपको ऐसा लगता है सिलेबस देख के, पास्ट ईयर पेपर्स देख के कि यू विल बी एबल टू डू इट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या वो जीएस से रिलेटेड है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स और मैनेजमेंट जीएस से नहीं रिलेटेड है बट यू विल सी अ प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ देयर कंसेप्चुअल क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शन। सेकेंड, अगर जो भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो कई बार होता है ना कि हम इंजीनियरिंग ले लेते हैं और फिर बाद में लगता है कि नहीं यार इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी, कुछ और करना चाहिए था। सो सिमिलरली अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं या तो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है या फिर अगर अवेलेबल भी है तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट वेदर आई विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स और नॉट, देन द सेकेंड चॉइस कम्स इन टू प्ले दैट इज चूजिंग अ सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो ऑफ योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना ही है, साथ साथ आप वो सब्जेक्ट उठा लो जो आपको जीएस की प्रिपरेशन में हेल्प भी करेगा। सो दैट शुड बी द बेसिस सेकेंड फैक्टर दैट यू शुड बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, गाइडेंस। दिस इज नॉट सम कॉलेज एग्जाम या फिर मास्टर्स लेवल एग्जाम जहां पे आपने कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी लिख दिया एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। इट इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। सो आपको यह भी देखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, उसमें आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं। नाउ द गाइडेंस कुड बी इन टर्म्स ऑफ
the study material which is available. Guidance could be in terms of the institutes or let's say any mentor basically who can guide you, who can take you through the journey. Any senior who can tell you that what are the pros and cons or basically aapko kuch challenges bata sakta hai ya aapko ek approach bata sakta hai ki aapko prepare karna kaise hai. And of course you cannot miss upon a very good test series or answer writing session. Because answer writing is going to be something that is going to help you fetch good marks. तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा तभी आपको वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए. लेट्स से आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसे वेरी अनकन्वेंशनल बन, जिसके बारे में ज्यादा गाइडेंस भी नहीं अवेलेबल है ऑनलाइन, मेंटर्स भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास ऐसे कोई सीनियर्स भी नहीं है. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल दैट पाथ अलोन. तो इसलिए इस फैक्टर को कंसिडरेशन में लेना बहुत जरूरी है. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पहले तीन फैक्टर्स को तो कंसिडरेशन में लेते हैं बट चौथे फैक्टर को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंसिडरेशन में नहीं लेते. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ये मतलब है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस सिलेबस है या फिर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपने जब अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होता है या प्रीलिम्स का एग्जाम दे लिया होता है, आपके पास एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है. बट अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है या फिर सिलेबस बहुत ही वॉलेटाइल है जिसमें बाउंड्रीज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट योर प्रिपरेशन फॉर जीएस सब्जेक्ट. आपको सिर्फ ऑप्शनल नहीं पढ़ना, आपको जीएस सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है. तो यू विल हैव टू टेक अ क्रूशियल थॉट, अ प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि क्या इस सिलेबस को मैं कंफर्टेबली आफ्टर मैं प्रीलिम्स रिवाइज कर पाऊंगा या प्रोबेबली कवर अप कर पाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग ले पाऊंगा, ग्रिप ले पाऊंगा. ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा टाइम ईट अप कर देगा जिसका इंपैक्ट मेरे जीएस सब्जेक्ट पे आएगा. सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही पड़ेगा, ठीक है. और प्रॉपर लिख के होना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओरली कर लिया. प्रॉपरली पेन पेपर लेके बैठिए, प्रॉपरली लिस्ट बनाइए कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको लग रहे हैं उस सब्जेक्ट के और क्या क्या उसके डिमेरिट्स या फिर कॉन्स लग रहे हैं, ठीक है. तो ये चार क्रूशियल फैक्टर्स मुझे लगते हैं जो कम से कम आपको कंसिडरेशन में लेने चाहिए वाइल टेकिंग अ चॉइस फॉर योर यूपीएससी ऑप्शन, ठीक है. अब बात करते हैं कुछ डोंट्स की, ऐसे फैक्टर्स जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं या फिर जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं. सबसे पहला फैक्टर क्या है? पॉपुलैरिटी. स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको पता चलता है कि यार एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है. नाउ विदाउट गिविंग अ थॉट दैट वेदर दिस सब्जेक्ट इज ऑफ देयर इंटरेस्ट और नॉट, वेदर गिविंग अ थॉट दैट दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉट, उस पर गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, वो सिर्फ ये सोच के कि यार ये एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट पॉपुलर लग रहा है, सब कोई ले रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट में ले लेता हूं. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट मेक. बिकॉज जब तक आपको उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू गिव डीप थॉट्स इनटू इट. आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे इन क्रैकिंग योर यूपीएससी मेंस. सेकेंड गलती जो स्टूडेंट करते हैं, हाई स्कोरिंग. स्टूडेंट्स को लगता है जब पूछते हैं लोगों से या सीनियर से पूछते हैं तो कुछ सीनियर्स बता देते हैं कि यार लास्ट चार सालों से एक्स वाई जेड सब्जेक्ट का ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. First thing, you should know this that UPSC pattern of checking, whether it be question papers, whether it be the answer skips, is very, very unpredictable. A same person might have scored very good marks once in terms of essay paper, और दूसरी बार हो सकता है कि उसको completely बहुत कम marks मिले हों, even though the pattern was same. So इससे हमें क्या पता चलता है कि जो pattern है वो बहुत unpredictable है. And if you have a decent understanding, if you have a understanding of the concepts, you will be able to score good marks in any optional that you choose. तो आपके दिमाग में ये thought नहीं होना चाहिए कि यार ये popular है या फिर ये high scoring है, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ. A subject might be very high scoring, but you might end up scoring low marks if you're not clear with the concepts, या फिर अगर आप अच्छे से answers नहीं लिख पा रहे हैं, including the keywords. So high scoring should not be a criteria for you for choosing your optional. And last but not the least, peer pressure. वो स्कूल के टाइम पे लोग करते थे ना कि जब टेंथ के बाद समझ में नहीं आ रहा होता था कि यार क्या लेना चाहिए, तो क्या करते थे, अच्छा तू भी कॉमर्स ले रहा है, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, साथ में पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू टेक योर डिसीजन ऑन सच पार्लेंस नाउ स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी ऑप्शनल. तो कभी भी ये सोच के मत लीजिए कि यार मेरा दोस्त ले रहा है या मेरे जो ग्रुप के लोग हैं वो ये सब्जेक्ट ले रहे हैं ऑप्शनल का, तो मैं भी वही सब्जेक्ट ले लेता हूँ. कंफर्ट जोन में मत आइए, ये मत सोचिए कि यार मैं उनके साथ तैयारी करूंगा तो मेरा भी निकल जाएगा, ये तेज बच्चा है मुझसे, या लेट्स से ये एकेडमिकली अच्छा है तो मैं इसके साथ तैयारी करूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. तो आइडियली दीज थ्री फैक्टर्स शुड
definitely be not taken into consideration while taking your choice for your UPSC option. Okay, it is your career. You have to think wisely. You have to think very smartly and then take your decision for your UPSC option. That was all that I wanted to tell you. Okay, I hope this video might have helped you. If you think that you learned something new, if you think that it was informative, do hit the like button. Do subscribe to the channel. Also, I would like to inform you that we have a very specific channel, that is UPSCpedia by Anuj Jindal, where we are running the courses for UPSC Commerce as well as Management option. You can check out that video. The link has been provided in the description. Thank you. Keep preparing and all the best. Goodbye.